CITU ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया खेतिहर मजदूर यूनियन के संयुक्त उद्योग में ये कॉरपोरेट पूंजी और सांप्रदायिक गठबंधन का जो सरकार देश के आम जनता के ऊपर जिसका जिंदगी के ऊपर मेहनत के शाम के ऊपर जो हमला चला रहा है वो नीति के खिलाफ वो विनाशकारी नीति के खिलाफ 6 महीना कैंपेन के प्रक्रिया में अगला 5 अप्रैल दिल्ली में एक महासमावेश करने जा रहा है मजदूर किसान खेतिहर मजदूरों को संयुक्त मांग पर। हमारे देश में 2014 में नरेंद्र मोदी और भाजपा बहुत लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए। अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो सबके लिए अच्छे दिन आएंगे, किसान का आमदनी दुगना करेंगे, किसान को स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश के हिसाब से उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, किसान के लिए बीज खाद कीटनाशक सब्सिडी के साथ कम दाम में देंगे। इस तरीके से लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए। Recently, central government introduced their budget, union budget, that size 45 lakhs. What about our farmers, agriculture workers, or workers? What type of allocations in this budget? For example, MNREGA, at the time of UPA, the support by left parties, they given 4% our union budget. Now BJP decreased 1.3 means 60 lakh thousand. हम सभी जानते हैं कैसे 2020 में 4 लेबर कोड लेते हुए मजदूर वर्ग का हकों को छीनने का कोशिश हुआ, उसी के साथ साथ 3 किसान विरोधी नीतियों को छीन लिया थे, किसान के हकों को छीनने का कोशिश किया, उसके खिलाफ एक एकजुट संघर्ष मजदूर वर्ग और किसान एक मजदूर मिलते हुए एक साल से ज्यादा लगभग 380 दिन का आंदोलन के बाद उसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार घुटना टेकते हुए ये 3 कानून वापस लेना पड़ा और लेबर कोड भी लागू नहीं कर पाए। द नेशनल मूवमेंट वी हैव डिमांड द लैंड टू द टिलर, आफ्टर दैट some acts we achieved for in Kerala or Bengal or Tripura or Jammu and Kashmir, lakhs of land distributed in India. Now BJP, the name of development, they occupied this lands, especially Dalit land, Adivasi land, OBC land. So land question also now important. Another thing, the housing, more than 15 to 20 crores of Indian people without housing, the dignity, the every family dignity depending on house. So one is the employment not there, housing not there, land not there. हम एक मुख्य मांग के बारे में बात करेंगे जो न्यूनतम वेतन जो है जो मजदूर और मेहनत का शवाम और खेतिहर मजदूरों को जिंदगी चलाने के लिए जो एक सही आधार पर ये मिनिमम वेज तय किया जाए जिसके चलते लोगों को कम से कम जिंदगी गुजारा हो सके। नरेगा में कम से कम 200 दिन रोजगार और 600 रुपया मजदूरी होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा का बात, बिजली कानून वापस होना चाहिए और अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये सब को हम लोग उठाए हैं। ये विनाशकारी देश विरोधी और जनता को लूटने वाली ये कॉरपोरेट परत सांप्रदायिक सरकार के नीति के खिलाफ जोरदार संघर्ष बनाने का है और व्यापक मजदूर किसान खेतिहर मजदूरों को देश भर जो प्रचार चल रहा है सारे देश के लोग को ये महासमावेश में ये महाप्रदर्शन में 5 अप्रैल को भागीदारी करने के लिए हम अपील करते हैं। अल्टीमेटली we save India, we save our constitution, we save our rights, we fight against this. So unity in the working class, unity in our mazdoor and workers. So this is our purpose of our campaign.